हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ का चैप्टर वन मैथ्स का इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में हम फुल ऑन डिस्कस करने वाले, एकदम बेसिक में हम डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि इंटीजर्स क्या होता है, ये हम सिक्स में भी पढ़ा था आपने, फिफ्थ में भी पढ़ा था। ठीक है, तो इंटीजर्स जो है हमारा, बेसिकली जो इंटीजर्स है उसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके बनाता है इंटीजर। इसमें अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूँ, रैशनल नंबर कैसे, जो पी क्यू की फॉर्म में होता है, लाइक अगर 4/3 है तो ये रैशनल नंबर है, पी क्यू की फॉर्म में 4/3, तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर सिर्फ ये है जो कि लाइक अगर मैं लिख रही हूँ -4, +3, 2, 4, ये सब, तो ये जो है ये सिर्फ इंटीजर, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव। ठीक है, आफ्टर डैट अगर हम इसके रूल्स की बात करें, एक बेसिक लॉस रूल्स की मैं बात करूँ, तो जो बेसिक रूल्स हैं इसके वो क्या है कि पहला है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है, ठीक है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ पॉजिटिव से ही, ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो, मतलब इसको मैं साइन ले नहीं रही हूँ इसलिए यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है हमारे पास, तो जो हमारा दूसरा आएगा, थर्ड जो आएगा, हमारा रिजल्ट जो आएगा वो हमारा आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें, अब एक पॉजिटिव लें और यहाँ पे हम ले रहे हैं नेगेटिव, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक नेगेटिव और फिर एक नेगेटिव लूँ तो वो क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव, है ना। ठीक है, पॉजिटिव, और अगर फिर मैं ले रही हूँ इधर नेगेटिव, पहले हमने क्या लिया था, या पॉजिटिव नेगेटिव, अब मैं इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव ले रही हूँ तो मेरा क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो जो थे ये तो हमारा एकदम बेसिक वाला रूल। ठीक है, अब एक और रूल है, मतलब ये तो बेसिक रूल थे, अब आता है थोड़े दूसरे टाइप के रूल्स, मतलब पर थोड़े इससे हाई लेवल वाले रूल्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ग्रेटर, लेसर और इक्वल्स टू वाले में। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अगर हम देखें कि ज़ीरो है और एक हमारे पास नेगेटिव कोई भी है, लाइक अगर मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल में मैं लूँ, तो जो ज़ीरो है और यहाँ पे मैंने लिया -4, ठीक है, तो नेगेटिव और अगर ज़ीरो है हमारे पास, तो जो ज़ीरो है हमारा वो क्या होगा, बिगर होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं ले रही हूँ, एक ज़ीरो ले रही हूँ, ठीक है, और एक मैं ले रही हूँ पॉजिटिव, ठीक, अब इसका एग्जांपल अगर हम ले तो 0 और 4 लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा। क्यों 4 बड़ा होगा, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हमें पता होती है कि ये क्यों बड़ा होगा, क्योंकि 0, 1, 2, 3 ऐसे चलती है ना, पर यहाँ पे हमारा ये क्यों बड़ा है वो, हाँ, यहाँ पे -4 से 0 क्यों बड़ा है, इसको देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन को हम बाद में देखेंगे, इससे पहले एक चीज़ और रह गई है कि अगर मैं एक पॉजिटिव ले रही हूँ और एक नेगेटिव ले रही हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो हमारा क्या आएगा, लाइक अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव में मैंने लिया 2, ठीक है, अब नेगेटिव में मैं सेम ले रही हूँ, बस -2 हो रहा है, ठीक है, तो अब 2 बड़ा होगा या -2, हमारा बड़ा होगा 2। ठीक है, ग्रेटर कौन होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये चीज़ भी आप समझेंगे नंबर लाइन से। ओके, तो हमने एक रूल देख लिया और एक बेसिक रूल देख लिया, और जो मैंने ये बेसिक रूल बताए थे ये वाले, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी पे पूरा इंटीजर चलने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे समझने, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आया तो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, और ये हमने सिक्स में भी पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन को देखने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी नंबर लाइन। ठीक है, अच्छा, अब नंबर लाइन में यहाँ मिडल में आता है हमारा 0, और एक और चीज़ जो हमारे पॉजिटिव होते हैं वो हमारे इधर यानी RHS राइट हैंड साइड में आता है, और जो हमारा नेगेटिव होता है वो हमारा इधर दैट इज LHS साइड में आता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया ना। आफ्टर डैट अब हमें नंबर्स पुट करने होंगे नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन पुट करने के लिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, अब कितने भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्फिनाइट होते हैं क्योंकि नंबर्स। अब 0 के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू होता है, यहाँ पे -1 इसका अपोजिट, तो यहाँ -2, यहाँ -3। अच्छा,
अब ये जो नंबर लाइन है ना, इसमें ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, तो ये जीरो क्या होगा? क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा? जीरो हमारा ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये हमारा होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी ना ही ये है और ना ही ये है, ठीक है? तो जो जीरो है, हम एक स्टेटमेंट आती है कि जीरो जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमें ये लिखना होगा कि जो जीरो है वो नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, क्लियर? ओके, नाउ अब एक और चीज हमें जानना था कि जो जीरो है वो माइनस, अगर टू ले रहे हैं हम तो ये क्यों बड़ा था, और इसमें ये क्यों बड़ा था, और एक और थी टू और माइनस टू में ये क्यों बड़ा था, ठीक है? हमें ये चीज जाननी थी कि इसमें ये और इसमें ये क्यों बिगर्स थे। तो इसको देखने के लिए हमें नंबर लाइन समझनी पड़ेगी। अब देखिए जो ये वाली चीज है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस नंबर लाइन में इन सबको समझेंगे। तो जो हमारा ये वाला था कि जीरो जो है, सॉरी जो फोर है वो ग्रेटर है हमारा जीरो से, ये वाली चीज हमें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि काउंटिंग में हमने सीखी है कि फोर जो है वेज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो हमें अब समझना है कि जीरो जो है वो कैसे ग्रेटर है माइनस टू से, और जो टू है वो कैसे ग्रेटर है देन माइनस टू से। ओके, तो गाइस मेरे पास ये एक इंटीजर बोर्ड है जो कि मेरी सिस्टर ने बनाया था। तो अब हम इस इंटीजर बोर्ड से हम समझेंगे कि जो हमारा ये है जीरो ग्रेटर है माइनस टू से और टू है ग्रेटर माइनस टू से, वो कैसे है। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम समझेंगे इस इंटीजर बोर्ड पे। ओके, तो इस इंटीजर बोर्ड पे समझने के लिए पहले हमें जानना है कि जो जीरो है वो कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब हमें ये पता लगाना है माइनस टू ग्रेटर क्यों है। अब देखिए माइनस टू जो है वो इसलिए ग्रेटर है क्योंकि जो यहाँ माइनस वन है और माइनस टू, उसमें जो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे होते हैं, यानी जो नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे ये सब, वो क्या होते हैं, जो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे आगे जीरो के बाद ये जो सबसे पहले यहाँ आ रहा है ये वाला माइनस वन जहाँ पे मेरा एरो है, तो वो क्या है, सबसे ग्रेटर होता है, जबकि देखने में वो सबसे स्मॉलर है। लाइक माइनस टेन है यहाँ पे और यहाँ माइनस वन, तो आप सब सोचेंगे कि टेन बड़ा है माइनस टेन, पर नहीं, जो यहाँ पे हम माइनस में जो नेगेटिव में जो हमें सबसे छोटा दिखता है ना, सबसे स्मॉल है, जहाँ पे देखिए मेरे एरो दिख रहे हैं आप, जहाँ पे वन माइनस सबसे छोटा है वो नेगेटिव में बड़ा होता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पॉजिटिव की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव की, पॉजिटिव के पॉजिटिव से ही बात कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है। तो अब हमें जानना था कि टू जो है, अब मैं पॉजिटिव है, नेगेटिव में आपको समझ आएगी, बस इतना याद रखिए जो सबसे छोटा दिख रहा है ना नेगेटिव टू नेगेटिव में, लाइक अगर माइनस वन है और एक माइनस टेन है, तो दोनों में से ही हम क्या लेंगे, हम लेंगे माइनस वन को ग्रेटर। क्यों लिया हमने माइनस वन को ग्रेटर, इसलिए क्योंकि जो सबसे छोटा नेगेटिव है वो बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू नेगेटिव, ठीक है। अगर अब मैं पॉजिटिव और इधर भी एक और पॉजिटिव में कंपेयर करूं, तो हमारा कौन सा होगा, वो तो हमें पता ही है। लाइक इधर जो सबसे बाद में आ रहा है, लाइक मेरा एरो जैसे मैं 11 पे है, ठीक है, तो ये जो 11 है वो सबसे ग्रेटर है कहाँ से, इस जीरो से इस 11 तक, ठीक है। इस जो हमारा ये जीरो है, इस जीरो से 11 तक सबसे ग्रेटर 11 है, और अगर नेगेटिव टू नेगेटिव देखे तो माइनस वन जो है वो सबसे ज्यादा ग्रेटर है देन 11 से, ठीक है। ओके, नाउ अब बात कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लाइक जो हमारा ये वाला था टू ग्रेटर है माइनस टू से, वो कैसे। तो देखिए बस इतना रूल याद रखना है कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव है ना वो बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि हमने देखा कि नेगेटिव में जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं ना, हम इधर देखिए ये LHS है वैसे तो, सॉरी LHS है बट हम जा कहाँ रहे, RHS में। तो जब हम LHS से, देखिए LHS से जब हम RHS में जाते हैं तो क्या होता है, तब हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर होता जाता है। लाइक देखिए यहाँ पे 11 बड़ा हो गया 1 से, है ना, और जब हम माइनस 11 देखकर माइनस वो माइनस 11 और 2 देखें तो हमारा ग्रेटर 2 निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम RHS में जा रहे हैं, RHS में नंबर क्या होते जाते हैं, ग्रेटर, ठीक है। ओके, अगर मैं बोलूं कि हम ये RHS साइड है हमारी, है ना, अगर मैं इस RHS साइड से मैं जा रही हूँ LHS साइड में, तो क्या होगा, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो और छोटे छोटे होते जाएंगे, मतलब कि
जैसे अगर मेरे पास एक है माइनस, लाइक हाँ यहाँ पे देखिए एरो के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मेरा माइनस टू है और माइनस सेवन है, ठीक है। तो यहाँ से LHS से अगर मैं RHS जा रही हूँ तो यह तो बड़ा हुआ टू, और अगर मैं इस RHS से LHS जा रही हूँ तो नंबर छोटा होता जाता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या एक चीज़ याद रखिए अब, तो क्या चीज़ है वो दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि स्कूल में बहुत ही रेयरली बताई जाती है, कुछ ही स्कूल्स में, क्या कि नंबर लाइन में अगर हम LHS साइड से RHS में जा रहे हैं तो जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर होता जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, फर्स्ट रूल था। अब सेकंड रूल क्या है, अगर हम RHS से LHS में जा रहे हैं तो हमारा नंबर स्मॉलर होता जाएगा, क्लियर। एग्जांपल देखिए, अगर तो एक क्वेश्चन दूंगी जिसका कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि माइनस फोर ग्रेटर देन टू, ठीक है। अब इसका क्या होगा आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एक ट्रिक और मैं आपको बताती हूँ, एक ट्रिक कि देखिए ये हमारा LHS में होता है माइनस फोर, है ना, और टू का है हमारा RHS में। अभी मैंने बताया LHS से जब हम RHS में जाएंगे तो नंबर ग्रेटर, तो इसलिए माइनस टू हमारा ग्रेटर होगा। होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया। तो एडिटिव इनवर्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। एडिटिव इनवर्स जो है ना कुछ नहीं है, बस ये देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है। इनवर्स मतलब होता है या तो रेसिप्रोकल और या फिर अपोजिट, ठीक है, रेसिप्रोकल या अपोजिट। और एडिटिव का मतलब ऐड करना, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो को हम पूरे को अगर हम जोड़े तो इसका मतलब हुआ अपोजिट ऑफ इंटीजर। अब अपोजिट ऑफ इंटीजर कहाँ से आ गया, मतलब कि जैसे अगर मेरे पास फोर है, ठीक है, तो अगर हमें एग्जाम में दे देंगे वन मार्क क्वेश्चन में कि फोर का एडिटिव इन्वर्स करो, तो बच्चे सोचते हैं भाई ऐड करना होगा फिर तो, है ना, हम ऐड कर देते हैं और उसका उल्टा कर देते हैं। पर नहीं, इसका मतलब होता है कि अपोजिट इंटीजर, यानी एक इंटीजर है, एक ऐसा इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ये, है ना, हमें इसका फिर अपोजिट इंटीजर बनाना है। इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बस माइनस हो। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे अब मैं इधर माइनस फोर ले रही हूँ तो अब इसका क्या होगा, इसका हमारा बस फोर होगा, ठीक है। अब हमारी मर्जी है कि हम इधर यहाँ प्लस लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि अगर सिंपल भी लिख रहे हैं हम तो उसका मतलब प्लस ही होता है, ठीक है। ये कैसा था, नेगेटिव था, इसका अपोजिट इंटीजर क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में, ये प्रॉपर्टीज तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोले या फिर हम इसको कंपैरेटिव बोले, ठीक है, एक ही बात है, ओके। तो कम्यूटेटिव और कंपैरेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज की, तो इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव में हमारे पास सिर्फ दो ही क्या होते हैं, दो नंबर्स बोल सकते हैं या दो इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर मैं ले रही हूँ, जो मेरे पास टू नंबर्स है वो मैं ले रही हूँ, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी मैंने दो नंबर्स ले लिए। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं ए प्लस बी कर रही हूँ, यानी कोई भी दो नंबर का एडिशन कर रही हूँ, तो वो इक्वल्स टू होगा इनके, अगर मैं इनकी जगह भी बदल दूँ तब भी वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। और अगर अब हम नई एडिशन की देखी, अब हम मल्टीप्लीकेशन की देखें, वो क्या होगी, ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए होगी, है ना। अगर एक एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि अगर पहले एडिशन का देखें तो 2 प्लस 4 जो है वो इक्वल्स टू 4 प्लस 2 भी तो होगा, क्योंकि इसको प्लस करके 6 आ रहा है और इसको प्लस करके भी 6 आ रहा है ना। अगर अब हम मल्टीप्लीकेशन भी देखें तो 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा भी 8, तो दोनों इक्वल आ गया ना, देगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि अगर हम इसको इधर से उधर जगह भी चेंज कर दे तो आंसर सेम आना है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो थ्री नंबर्स और या फिर थ्री इंटीजर्स के बीच में काम करती है अपना। लाइक अगर मेरे पास जो तीन है वो है ए बी और सी में ले रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी कर रही हूँ तो वो हमारे ए प्लस सी ब्रैकेट प्लस बी इसके और इसके इक्वल होगा, ठीक है। और
ये तो थी हमारी एडिशन की, ठीक है। अगर अब मैं मल्टी की लूँ यानी मल्टीप्लीकेशन की, तो अगर मैं ले रही हूँ ए इंटू ब्रैकेट में बी इंटू सी, तो वो मेरी इक्वल होगी ए इंटू बी इंटू सी के, ठीक है। बात एक ही है, कैसे भी घुमा दो। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं ले रही हूँ मल्टीप्लीकेशन कही 4 × 2 × 5, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए क्या था 4, ठीक है, पर वैल्यूज सेम पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज अगर आप चेंज कर देते हैं तो फिर तो डिफरेंट आएगा ही, ठीक है। बट हमारा ए क्या था 4, तो बी क्या है हमारा 2 है, इसको ले लिया, ठीक है, और सी हमारा क्या है 5। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 × 10 = 40, ठीक है, और हम इसको ले तो 8 × 5 = 40 आ गया ना इक्वल। ऐसी एडिशन की है। एडिशन का एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम देख रहे हैं एक और ज़ीरो की प्रॉपर्टी। ज़ीरो की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, लाइक ए ले रही हूँ मैं उस नंबर को, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा नॉट पॉसिबल। क्यों? सिंपल है यार, अगर आप जीरो को डिवाइड कर रहे हैं 21 से तो कुछ आंसर आएगा नहीं आएगा, तो वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जीरो को डिवाइड कर रही हूँ, नहीं जीरो का नहीं, सॉरी, ए को डिवाइड कर रही हूँ जीरो से, अगर मैंने चेंज कर दी है, मतलब ए की पोजीशन यहाँ ला दी है, तो हमारा आंसर जीरो आएगा। कैसे? देखिए, 2 / 0 = 0, इस तरीके से। पर अगर 0 / 2 हो जाए तो वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। देन हमने जीरो की देख ली, अब हम देखेंगे वन की। वन की कहती है कि अगर हम वन को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, ठीक है, लाइक मैं नंबर ले रही हूँ 4, तो हमारा क्या जाएगा 1/4। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, है ना, ठीक है। और अगर मैं दूसरा क्या कर रही हूँ, अगर मैं ए को डिवाइड कर रही हूँ 1 से, अब यानी मैं इसको लिख सकती हूँ a/1, है ना, a/1, यानी मैं इसको लिख रही हूँ दूसरा, या फिर हम इसको ऐसे भी करें तो हमारा ए ही आएगा, क्योंकि a/1 = a ही होता है ना। ओके, देन अगर हम अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है चैप्टर की। इसके बाद हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर मैं सून एक एक्सरसाइज की वीडियो डालूंगी, फिर हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन टेस्ट वाली सीरीज भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी 3 नंबर्स के बीच में होती है या फिर 2 नंबर्स, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि इसको डिवाइड करना, डिवाइड करके डिफरेंट तरीके से मेथड करना, ठीक है। लाइक यहाँ पे बताती हूँ मैं, जस्ट वेट, लाइक मैं ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें मल्टीप्लीकेशन एडिशन दोनों होता है, ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है इसमें। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दोनों प्लस कर रही हूँ, तो ये हमारे किसके इक्वल आएगा, ये दोनों ब्रैकेट में, यानी ए को मैं पहले इस बी से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर उसको ऐड करूँगी, और फिर ए को सी से करूँगी, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इस तरीके से, ठीक है। लाइक अगर अब ऐसे ना आके एग्जाम में ऐसा आता है कि 1 × 2 × 4, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाता है, इसको कैसे करना है। देखिए इधर, इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं 100 + 2 में, ठीक है। तो हमने इसका लिख लिया 100 + 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4। तो देखिए सेम प्रॉपर्टी बन रही है, बी कौन है हमारा यहाँ पे 100, सी कौन है 2, ए कौन है 4, ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब बच्चे वापस यही कर देते हैं, इसको वापस ऐड कर देते हैं, और फिर इसको वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई बात तो वही पड़ी, इसको ऐड करके वही आ गया, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने का मतलब क्या, हमें क्या करना है, इसको 4 को 100 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 400 प्लस का साइन, देन 2 को 4 से, डैट इज 8, हमारा आंसर आ गया 408, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई इंट्रोडक्शन अच्छा लगा और समझ आया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास अप टू डेट वीडियोस आती जाए और मैसेज आपके पास आ जाए।